हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी पूजा वूजा हो गई है और अभी इस समय एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी इस समय बजा है दिन का 11:30 और आज है बुढ़वा मंगल। तो आप सबको बुढ़वा मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आपकी तरफ से मुझे भी। तो बस अभी चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअली आज मंदिर भी जाना है और शाम को भी मंदिर जाना है और अभी भी जाना है। तो लेट्स सी, और ये कौन आया, लेट्स सी ये कौन कोई आया। तो ये आई हैं गरिमा शुक्ला। हेलो। हाँ, तो क्यों आई हो सुबह सुबह? मतलब एक अचानक से कैसे आ गई तुम? घर में रेनोवेशन चल रहा है तो, और मेरा वर्क फ्रॉम होम डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ, तो तुम यहाँ वर्क फ्रॉम होम करने आई हो? यस। ये तुम्हारा कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, जरा दिखाओ। ये तुम्हारा तो है एचपी का है, ये तुम्हारा तो है नहीं, तो छोटी का लैपटॉप है। ओके, तो शी इज टेकिंग छोटी लैपटॉप एंड शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो इनके घर में रेनोवेशन चल रहा है, तो ये जो है वर्क फ्रॉम होम मेरे घर से करेंगी। चाय पीनी है बेटा? मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अच्छा, चाय पी के आइए। गुड। सो गाइज, हियर कम्स माय चाय एंड सैंडविच। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये टेबल मैट पे ये जो स्ट्राइप्स है ना, ग्रीन और ये तो प्लीज गाइस इसको जज मत करना। ये जब मैं पेंट करता हूँ ना बैठ के, तो ये मेरे पेंट वगैरह हैं वही सब लग जाते हैं। तो क्योंकि एक्रेलिक पेंट्स होते हैं तो फिर ये छूटते नहीं है आसानी से। तो सो गाइस, अभी बच गया है 12:30 और जैसे बताया था बुढ़वा मंगल है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने महाराज जी के मंदिर। तो डेफिनेटली वहाँ तो आपसे मिल नहीं पाएंगे, तो आपसे मिलेंगे लौट के। मीनवाइल गरिमा घर में ही है, गरिमा इज टेकिंग केयर ऑफ द होम। तो ये देखिए, शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड शी विल इवन टेक केयर ऑफ द होम। तो अब मिलते हैं आपसे लौट के। तो हम घर से निकल के बस थोड़ी दूर पहुंचे थे और ये देखिए कितनी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। वैसे तो नॉर्मली क्योंकि हम मतलब चारों लोग ही जा रहे थे, तो ये होता है कि भाई कार से ही जाओ, लेकिन क्योंकि हमें जहाँ जाना था ना, वहाँ पे कार पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है उस एरिया में, तो फिर ये हुआ कि चलो बाइक से ही चलते हैं। तो हम मम्मी एक बाइक से थे, भाई भाभी एक बाइक से थे, तो हम और मम्मी यहाँ फंस गए और भाई भाभी पीछे कहीं फंसे खड़े हुए थे। अपन आ गए घर और इस समय बजा होगा लगभग 3:30। तो हाँ, थोड़ा टाइम लग गया वहाँ। अब लेट्स सी की गरिमा क्या कर रही है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम शी इज डूइंग। लेट्स सी कहाँ है ये। ओके, शी इज बिजी डूइंग हर वर्क फ्रॉम होम। आर यू ऑन अ कॉल? आर यू फीलिंग स्लीपी? अच्छा, ये कैसा वर्क फ्रॉम होम है कि तुम सो गई थी? ओके, खाना खा लिया बेटा? मेरा वेट नहीं किया आपने दादा का? आपने अभी मेरी छोटी होती था ना, मेरे लिए जान दे देती वो, मगर खाना नहीं खाती। वैसे वो है कहाँ? वो आज है? अच्छा, वो घर पे है। चलो गुड। ओके, तो गाइस गरिमा ने अभी एक प्रिडिक्शन किया था, तो वो प्रिडिक्शन क्या था गरिमा, आप लोगों को खुद बताइए।
अरे सीधे बताओ इधर, तमीज से, मैनर्स से। होगी बारिश होगी तो गरिमा ने प्रेडिक्शन, ये जो है मौसम विभाग से जैसे कि इनका कोई ताल्लुक होता है, पानी तो उस टाइम भी बरस रहा था जब हम लोग मंदिर गए थे, पर अभी तो धूप थी तो हाँ गरिमा ने प्रेडिक्ट किया था कि यार बहुत भयंकर आंधी आने वाली है, रस्ते में है, तो अभी आंधी तो नहीं आई लेकिन देखो पानी बरसने लगा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पानी दिख नहीं रहा है लेकिन बादल देखिए कितनी तेज से आ गए। हाँ नहीं लेकिन पानी बरस रहा है गाइस, इट्स रेनिंग। पानी रे पानी तेरा रंग, अरे यार आई कांट, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू सिंग, वो हो जाएगा क्या, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। हाँ तो ये मेरे भाई अभी भी आ गए, भीग गए क्या, भीग गई, ये देखो भीगते हुए आ रहे हैं ये लोग, आओ आओ, ये देखो ये मंदिर से आ रहे हैं भीगते हुए। तनु बेटा, तनु आर यू ना कॉल, तो क्या आप वर्क फ्रॉम होम करके मुझे कॉम्प्लेक्स दे रही हैं? हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कोई बात नहीं, इफ यू डू वर्क फ्रॉम होम आई विल डू पेंटिंग फ्रॉम होम, मैं पीछे नहीं हूँ किसी भी चीज में। तो गाइस शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम और अब मैं जा रहा हूँ करने पेंटिंग फ्रॉम होम, सो लेट मी शो यू दिस। ये देखो ये मेरी पेंटिंग है और इसको कंप्लीट करनी है, बहुत दिनों से रखी हुई है, तो ये जैसे कि ये है ये अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये हनुमान जी महाराज बन रहे हैं और ये है द फॉर्म ऑफ आर्ट इज मधुबनी फॉर्म ऑफ आर्ट, तो ये मधुबनी एक फॉर्म ऑफ आर्ट होती है, मैं वो बना रहा हूँ, तो एक्चुअली इसमें भी बहुत महीन काम होता है, इट विल टेक टाइम, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप कितनी बन पाते हैं। सुबह हम आपको मिल रहे हैं सीधे शाम को और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, ये मत समझना कि किसी और दिन का कंटेंट जो है मैंने इसमें टोच दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब अपन जा रहे हैं मंदिर और आज है बुढ़वा मंगल, तो आज तो वहाँ बहुत भीड़ होने वाली है, अब मम्मी जा रही हैं साथ में, सो क्योंकि मम्मी को जाना है बाजार, तो हम लोग पहले जाएंगे मंदिर फिर वहां से हम लोग जाएंगे गुमटी नंबर 5 की बाजार करने, तो ये देखो मम्मी भी जा रही हैं साथ में और उस टाइम हम लोग ना भीड़ भी गए थे तो फिर घर आए कपड़े वपड़े चेंज किए, तो फिर इसलिए फिर अभी फिर से चेंज करना पड़ गया, तो या तो हम ये कह रहे थे कि आज है, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि आज है बुढ़वा मंगल, तो चाबी कहाँ इसकी, तो गाइस आई थिंक मोस्ट ऑफ अस मस्ट बी नो कि बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है, बट इनके जैसे जिनको नहीं पता और जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से कहते हैं कि बुढ़वा मंगल के दिन जो है क्या हुआ था कि द्वापर युग में जब ये महाभारत वगैरह भीम वगैरह थे, तो जो भीम थे वो बहुत बलशाली थे, तो कहते हैं उनके पास मतलब हजारों हाथियों का उनके अंदर बल था, तो उनको उस चीज़ का बड़ा घमंड था, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने जो है एक बूढ़े वानर का रूप धारण किया था और वो ऐसे रास्ते में लेट गए थे जहां से भीम जा रहे थे, तो भीम को क्योंकि बड़ा गर्व था अपने ऊपर, तो भीम ने बड़ी ही बदतमीजी से उनसे कहा कि मतलब उनसे हटने के लिए कहा, वानर से हटने के लिए कहा, तो उस वानर ने कहा कि तुम्हारे पास तो इतने 10,000 हाथियों की शक्ति है तुम्हारे पास, तो तुम क्यों नहीं मतलब ये मेरी पूंछी तो है इसको हटा दो, तो उन्होंने अपना पूरा बल लगा दिया बट वो उनकी पूरी पूंछ नहीं हटा पाए, तो क्योंकि वो हनुमान जी थे और वो जो है उस समय एक बूढ़े वानर के रूप में सामने आए थे उनके, तो और फिर वही है कि वो इतने बलशाली होने के बाद भी, भीम इतने बलशाली होने के बाद भी जो है ही कुड नॉट मतलब वो नहीं हटा पाए उनकी पूंछ को, हिला तक नहीं पाए उसको जो है उसकी जगह से, तो क्योंकि वो बूढ़े रूप में थे उस दिन हनुमान जी ने उस रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे, तो इसलिए और वो दिन था आज का दिन था मतलब इसलिए जो है आज के दिन बुढ़वा मंगल मनाया जाता है।
ये देखो गाइस, फिर से शुरू हो गई बारिश। मतलब हम लोग घर से निकल के थोड़ी दूर पहुंचे और फिर से बारिश। मतलब सुबह भी बारिश हो रही थी और अभी निकले हैं तो अभी भी बारिश हो रही है। तो सुबह मंदिर जा रहे थे तब भी भीगते हुए गए थे, अभी भी मंदिर जा रहे हैं तो भीगते हुए ही जाएंगे। सो ये है गुमटी नंबर 5 का व्यू। सो गाइस, अभी अपन पहुंच गए हैं गुमटी नंबर 5 और ये हम देखो पूरा भीग भीग गए हैं। तो मम्मी को कुछ ख़रीदारी करनी थी, तो चलिए मम्मी को करवा देते हैं ख़रीदारी। मतलब तो मम्मी मतलब जो दुकान पे आगे के जा रही है, पीछे पीछे हम जा रहे हैं। तो फिर जो है पानी फिर से बरसना शुरू हो गया है, तो बस फटाफट से यहाँ पे जो भी काम है मम्मी का वो निपटाएंगे, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, तो मंदिर तो जाना ही है। तो ये है गुमटी नंबर 5। तो ये जो गुमटी नंबर 5 है, ये कानपुर की वन ऑफ द वेरी फेमस शॉपिंग मार्केट्स है। तो जो कानपुर में लोग रहते हैं उन्हें तो पता है गुमटी नंबर 5 के बारे में। तो ये हैं मम्मी। और कलर है इसमें, यही दो कलर है। अच्छा, तो चलो ठीक है, फिर ये ब्लैक ही दे दीजिए। सो गाइस, अब अपन फाइनली आ गए हैं गुमटी से मंदिर। और यहाँ तो बड़ी भीड़ है। तो गाइस, पिजार मंदिर में बहुत भीड़, तो बस इसमें जितना मैनेज हो पाया, तो ज़्यादा अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए हैं भीड़ की वजह से, बट स्टिल अच्छे मतलब दर्शन होगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो जय जय सियाराम। सो गाइस, अब अपन मिल रहे हैं सीधे रात को और बजा है 10:10, मतलब 10:15 के आसपास होने वाला है। और देखिए किचन में क्या बन रहा है। तो भाभी आज क्या बन रहा है, फिर से कर दो, कोई देख नहीं पाया। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो ये बन रहे हैं चने की दाल के पराठे। ओके, तो आज बन रहे हैं चने की दाल के पराठे और साथ में चल रहे हैं द बिग बॉस OTT। ये है दाल और ये है पराठे और ये बन गए हैं और ये है साथ में मट्ठा और अचार। तो बस अभी हम लोग खाएंगे पराठे। तो गाइस, अब अपन खाने जा रहे हैं दाल के पराठे विद मट्ठा एंड अचार। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। अरे यहाँ तो खूब सारे पिल्लू बैठे हैं, बट आई वॉज सर्चिंग फॉर गैया। कोई बात नहीं, आज पिल्लुओं से खेलते हैं, मतलब आज पिल्लू लोगों को खिलाते हैं रोटियां। आ ले, आ जाओ लो लो, आओ आ जाओ खा लो, आओ आओ खा लो खा लो खा लो। तुम लोग को क्या दुश्मनी है भाई, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे खाने? तो अभी हम सारी यहीं पर डाल दे रहे हैं, जिसको जिसको खानी होगी खा लेगा, है ना। सो गाइस, ये पिल्लू अपना खा रहा है और इट्स गुड। तो दाल के पराठे भी अच्छे थे और मन भर के खा लिए, अच्छे थे। आज एक्चुअली मौसम वैसा था ना, आज पानी वानी बहुत बरसा है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम और उसमें फिर पराठे वराठे मिल जाते हैं, तो इट्स लाइक वाओ। तो चलो फिर अगेन वन मोर डे स्पेंड। तो ब्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको अगर मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।